हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ पे रास्ते पे हाईवे, तो आपको बताने के लिए वीडियो बनाई है कि जो है पोस्टी में जो है जॉब्स निकली हुई हैं, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हो यहाँ फिनलैंड में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस जॉब को खुद अप्लाई कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। तो मैं गया था, यहाँ पर मार्केट है इतना किस किस इतिस मॉल में DNA के लिए। DNA जो है नेटवर्क है यहाँ पे, तो मैंने जो पहले सिम लिया था तेलिया का, वो इतना अच्छा नहीं था, उसका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मैं चेंज करने के लिए गया था DNA के लिए कि शायद वो जो सेम नंबर है DNA में जो है कन्वर्ट हो जाए, बट वो हुआ नहीं। वो कहते पोस्टपेड करना पड़ेगा, पोस्टपेड मैं अभी ले नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ पे नया माइग्रेट हूँ। इसी वजह से मुझे जो है DNA का नया प्रीपेड कार्ड जो है खरीदना पड़ा यहाँ पे आर का है उसकी से। मैंने जो आपको बताना था जो है पोस्टी में रिक्वायरमेंट है, पोस्टी डिलीवरीज होती हैं आपकी, जैसे जो आपको बैंक के लेटर आते हैं या कोई मैगजीन्स वगैरह आती हैं, तो वो आपको जो है डिलीवर करनी होती है कस्टमर के अपार्टमेंट में, घरों में, रेजिडेंशियल एरिया में। आपको एक एरिया जो है दे दिया जाता है, तो वीक में 5 दिन जो है मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको वहाँ पे चिट्ठियाँ जिसको कहते हैं वो डिलीवर करनी है। तो सरकारी नौकरी है ये एक तरह की, और जो पोस्टी है भी गवर्नमेंट की तरफ से ही है। तो इसमें रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया निकलती रहती हैं क्योंकि ज़्यादा देर जो है लोग इसको कर नहीं पाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है इसमें बहुत ज़्यादा है, भाग दौड़, कौन सा एरिया कहाँ पे है आपको ढूंढना, फिर वहाँ पे जाके एक एक घरों में चिट्ठियाँ डालना, ये आसान टास्क नहीं है, तो ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इसी वजह से जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है पूरा ही साल आप कह सकते हो खुली हुई है रहती हैं। और फिलहाल एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा मैं कि मैं जो है समर्स की जॉब भी निकली हुई हैं जो लिमिटेड 4-5 महीने के लिए होती हैं, वो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। जो न्यू माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली है, तो आप वो वाली जॉब भी अप्लाई कर सकते हो। आपको बताऊँगा मैं उसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, चाहे वो समर जॉब है या परमानेंट जॉब्स है। उसको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, आपको अपना CV जिसको रिज्यूम कहते हैं और एक कवर लेटर जो होता है वो आपको बनाना है अपना पोस्टी के लिए। आपको जो भी एक्सपीरियंस है उसमें डालना है, और उसकी जो है चाहे आप लिंक्डइन से अगर खोलोगे, लेकिन जाना तो आपको पोस्टी की डायरेक्ट साइट पे पड़ेगा। पोस्टी की जगह आप posti.fi जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब ओपन करोगे आप उसको posti.fi को, वहाँ पर जाके आपको कैरियर पेज पर जाना है उसके, और कैरियर पेज पर जाके आपको जो है जो जो उनकी रिक्वायरमेंट होंगी उस टाइम खुली होंगी वो सारी वहाँ पर आपको दिखा देगा कैरियर में। और उसके बाद जो आपको जैसे पोस्टी जो डिलीवरी की जॉब है उसके ऊपर आप क्लिक करो, या समर जॉब है जो आपने लेनी है उसके ऊपर क्लिक करो। आप डायरेक्टली अपना डिटेल पूछेगा उसे, वो आप भर दो, कहाँ पे रहते हो यहाँ पे हेलसिंकी में, सब कुछ पूछेगा आपको, वो सारा कुछ डाल देना है आपने उसमें। अगर आप बाहर से कहीं से अप्लाई कर रहे हो तो आपको वहाँ का लोकल एड्रेस डाल देना है जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया से हूँ, अगर मैं इंडिया से अप्लाई करूँगा तो वहाँ पर मैं इंडिया भर के वहाँ पर कंट्री और जो इंडिया में मेरा एड्रेस है वो मैं फिल कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद आपको जो है सबसे पहले अपना CV अपलोड करना है उसमें, CV अपलोड करने के बाद कवर लेटर जो है आपको अपलोड करना, और जो है एप्लीकेशन आपकी आपने सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद जो है आपको वेट करना है कि आपका नंबर लगता है या नहीं लगता। यही था इसका पोस्टी का प्रोसेस जो था, जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। और आपको मतलब जहाँ भी अगर आप हेलसिंकी में कहीं रह रहे हो तो जिस नियर अगर आप सिलेक्ट होते हो तो जो आपका सुपरवाइज़र होगा तो आप उसे कह सकते हो कि मुझे जो नज़दीक का एरिया है आप वो दे दो, आप जहाँ पे रहते हो। अगर वो खाली होगा एरिया तो आपको दे दिया जाएगा, अगर उस टाइम पे खाली नहीं होगा तो आपको बोला जाएगा कि इतना टाइम वेट कर लो, भी आपको जो है एरिया ये बोला दे दिया जाएगा। तो यही था इसका प्रोसेस जो है आप कैसे अप्लाई कर सकते हो पोस्टी की जॉब। अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो किसी और कंट्री से तो आपको सेम फील्ड में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो आपको एक्सपीरियंस है आप अपना सारा सीवी और कवर लेटर में जो है डाल दीजिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। अगर उनको लगता है उनके पास रिक्वायरमेंट होगी तो शायद आपको वो बाहर से भी, फिनलैंड के बाहर से भी माइग्रेट कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है जो मैनेजर और जो रिक्वायरमेंट उनके पास जिस हिसाब से होती है कि फॉरनर्स के लिए वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो कोटा तो उनको ही पता होता, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद होता ही होगा माइग्रेंट्स के लिए भी कोटा, बाकी ये है कि अगर इनके पास रिक्वायरमेंट है
कोटा नहीं भी है अभी, तो इन फ्यूचर कभी इनके पास जो है लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो ये ज़रूर आपको रिकमेंड हो सकता है, आप जो है ये जॉब मिल जाए। यही था आज का टॉपिक मेरा जो है, तो यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ पोस्ती की जॉब के साथ। और मैं जो है अपने घर के जो मेरा अपार्टमेंट है सॉरी उसके वहाँ पहुँच गया हूँ, नज़दीक ही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके लिए जॉब्स वाली वीडियो मैं सर्च करके वीडियोस बनाता रहूँगा। प्लीज़ डू शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।